हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, नहीं कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके ज़रूर से करिए, है ना। एक माला एटलीस्ट आप एक माला ज़रूर से कीजिए। आप जिनके लिए भी करना चाहें उनके लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए, ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए कीजिए, लेकिन एक माला आप ज़रूर कीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड आया है फिर से श्री कृष्णा जी का। तो मेरे व्यूअर्स जो भी हैं उनसे श्री कृष्णा जी बहुत खुश हैं, बहुत 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 प्रसन्न है और वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत लविंग हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप जिस भी तरीके से उनकी भक्ति करते हैं, जिस भी तरीके से आप उन्हें याद करते हैं ना, उनका नाम जप करते हैं, वो उन तक ज़रूर पहुंचता है ना। आपकी कोई भी बात, कोई भी दिल की प्रार्थना जो आप उनसे कहते भी नहीं है ना, वो प्रार्थना उन तक ज़रूर पहुँच रही है। और इस वक्त आपको कृष्णा जी कहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब रुक गया है, आप कृष्णा जी आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स इस कार्ड के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू, है ना। डिवाइन काम कर रहे हैं, काम रुका नहीं है, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन ये डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और उसके साथ में देखिए, यहाँ पे आपकी सक्सेस इन लविंग रिलेशनशिप, जब कृष्णा जी का कार्ड आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अगर किसी पर्सन को माइंड में रख कर के व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो जिनके लिए भी देख रहे हैं आप, है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं आप, डिवाइन सोल्स हैं, डेफिनेटली इस रीडिंग तक पहुँचे हैं आप यहाँ पे, तो आप बहुत ही प्योर सोल्स हैं ना। आप भक्ति के मार्ग पर या तो चल रहे हैं या बहुत जल्दी आप चलेंगे। ओके, यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के खुद ही चलवा लेंगे। आप नहीं भी समझ पा रहे हैं ना तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जब मैं ऐसे कह रही हूँ तो मैंने 222 देखा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, यूनिवर्स खुद करवा लेंगे, है ना। आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और उसके साथ में देखिए, कृष्णा जी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आपको, है ना, हर वक्त इतना ज़्यादा सोचते नहीं रहना है ना। इतनी ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे तो आप लाइफ को जियेंगे कब। इस भक्ति के मार्ग में सिर्फ परेशानियाँ ही नहीं है, दुख ही नहीं है, है ना। आप ये भी समझिए इस बात को कि जब आप ईश्वर से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं ना, उनकी भक्ति से जुड़ जाते हैं, तो उसमें जो आनंद आता है उसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है ना। अपने अंतरात्मा से जुड़िए, आप ईश्वर से बातें कीजिए, यूनिवर्स से बातें कीजिए, आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं उनसे बातें कीजिए, आप कि दिल में जो भी बात है ना वो बात उनसे आप कह दीजिए, है ना, जो भी है, जिस भी तरीके की बात है। आप सोचिए मत, ईश्वर आपको कभी भी जज नहीं करेंगे, कृष्णा जी आपको कभी भी जज नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने दिल की बात उनसे एक बार कह दीजिए ना, इससे क्या होगा ना कि आपका हर्ट चक्रा, आपका दिल जो है वो हल्का होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और जो बोझ लेकर आप चल रहे हैं ना वो बोझ यहाँ पे ख़त्म होगा। जिस भी तरीके का बोझ है आपके दिल पे, डेफिनेटली आप कुछ ऐसा है जो लेके चल रहे हैं, बहुत अपना रिलैक्स हो जाइए। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं रिलैक्स हो जाइए, इट्स टाइम टू रिलैक्स, मुझे ये लाइन याद आ रही है ना। तो कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। आप यहाँ पे जो आपका एक फेज है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, तो इसलिए कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि बस आप उन पर फोकस रखिए, अपना ध्यान सिर्फ उन पर रखिए, अपने ईष्ट पर रखिए, यूनिवर्स पर रखिए, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए ना। और उसके साथ में यहाँ पे आपको एक लविंग एनर्जी में रहना है, आप खुद के लिए सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है ना, आपको सेल्फ लव फॉलो करना है यहाँ पे। ओके व्यूअर्स, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, रीडिंग इतनी पॉजिटिवली स्टार्ट हुई है कृष्णा जी से तो दिल खुश हो गया एकदम, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट नटराज। वाओ, देखिए कृष्णा जी के साथ में यहाँ पे स्वयं नटराज आए हैं, यानी कि शिव जी आए हैं। आपको यहाँ पे फियरलेस बनाया जा रहा है ना, क्योंकि आप यहाँ पे डिवाइन सोल्स हैं,
भक्ति के मार्ग पर है, आपकी भक्ति के मार्ग में। जब हम भक्ति के मार्ग में होते हैं ना, तो व्यूअर्स बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हमें मिलते हैं, लोग तरह तरह की बातें आपको कहेंगे, है ना। ऐसा भी कहेंगे या कह रहे होंगे कि इन सब से कुछ नहीं होता है, क्या हो जाएगा इन सब से, सिर्फ भक्ति करने से ही सब कुछ हो जाएगा क्या। तो ऐसे बहुत, मतलब आप सभी जानते होंगे कि ऐसी बातें कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, डीमोटिवेट करने वाले। लेकिन इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, उनसे आपको डरना नहीं है ना। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपके साथ हैं। आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर के अपने मार्ग पर बढ़ते रहिए। आप जो भी करना चाहते हैं वो बिल्कुल दूसरों की परवाह करते कर करिए ही मत, है ना, उनकी सोचे मत। आप जो कर रहे हैं, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आप सही कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, है ना। उसके लिए आपको किसी से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है बाहर की, आप ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है, मतलब ईश्वर खुद कह रहे हैं कि आप सही मार्ग पर हैं, तो किसी के जजमेंट पर आप मत जाइए, है ना, उस पर आप फोकस ही मत करिए। ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं। और साथ में देखिए, यहाँ पे अगेन जो भी व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं ना जिनका पैशन है म्यूज़िक, डांस, सिंगिंग, कुछ भी ऐसा है, तो वो फॉलो कीजिए ना। आपको ये सोचना है कि आपको ये फील करना है कि आपके अंदर स्वयं ईश्वर है ना, आपके अंदर स्वयं भगवान है, आपके अंदर आपकी अंतरात्मा जो है वो भगवान की आवाज़ है। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, ये भगवान का ही तो दिया हुआ है, मंदिर है एक तरह से ना। कि आपको यहाँ पे खुद को एकदम निडर बनाना है। निडर किस तरीके से बनाएंगे व्यूअर्स? आपको आप ना अपने मन में ऐसा फील कीजिए अपने अंदर कि आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं ना, कृष्णा जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, जिनको भी अपना मानते हैं, काली माँ को मानते हैं, तो आप ये फील कीजिए कि आपके अंदर ही वो बैठे हैं। बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ईश्वर को, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मंदिर या फिर अपने रिलीजियस प्लेस पे नहीं जाएं, तीर्थ स्थान पर नहीं जाएं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अंदर बैठे भगवान को ढूंढने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने अंदर बैठे भगवान को नहीं समझ पाएंगे ना, जब तक आप उन्हें नहीं फील कर पाएंगे, तो आप बाहर कितना भी भटक लें, कितने भी आप चारों धाम कर लें, कितने भी आप तीर्थ स्थान कर लें, वहाँ आपको वो शांति नहीं मिलेगी, है ना। जाने में कोई बुराई नहीं है, जाना ही चाहिए। अगर आपको ईश्वर बुला रहे हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको ये सोचना होगा कि क्या आप अपने ईश्वर को अंदर फील कर पा रहे हैं, क्या आप उनसे खुद कनेक्टेड हैं, अंदर कनेक्टेड हैं आप, क्या उन्हें फील, क्या आपका कनेक्शन उनसे इतना स्ट्रांग है। फिर आप कहीं पे भी चले जाएं ना, आप एक छोटे से मंदिर में भी चले जाएंगे या फिर घर में भी, एक कोने में भी आप अपने ईश्वर के साथ बैठेंगे ना, तो वहीं आपको अपने ईश्वर मिल जाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ईश्वर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर फील करने की ज़रूरत है। और जब आप व्यूअर्स ऐसा करने लगेंगे ना, तो आपके अंदर ही आप खुद में एक ऐसी एनर्जी फील करेंगे ना, एक ऐसी पॉजिटिविटी फील करेंगे कि आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। आप खुद में एक ट्रांसफॉर्मेशन पाएंगे, खुद की एनर्जीज़ में इतनी पॉजिटिविटी आप फील करेंगे ना, एक आप ऐसा करके देखिए। ओके व्यूअर्स, और जो व्यूअर्स यहाँ पे, हाँ सॉरी मैं बीच में ये बात कर रही थी, म्यूज़िक और डांस के में इंटरेस्टेड है, उन्हें प्लीज़ अपना पैशन फॉलो करने की ज़रूरत है। डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, जिस भी तरीके से आप म्यूज़िक से कनेक्टेड हैं या आप पहले कनेक्टेड थे, आपका पैशन था, आपको अच्छा लगता था, तो प्लीज़ उसे करना शुरू कीजिए। ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी ईष्ट, आप जिनको भी अपना मानते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं। आपको बार बार अगेन एंड अगेन रीडिंग में ये मैसेज आ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जिनके लिए भी ये मैसेज है उन तक ज़रूर पहुँचेगा। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पर ना अपने क्रिएटिविटी पर काम करने की ज़रूरत है एक तो, ओके। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे ये डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी काम आपको अच्छा लगता है ना, वो करना आप शुरू कीजिए। एटलीस्ट आप शुरू तो कीजिए, आपका पैशन है ना, वो तो आप फॉलो तो कीजिए। एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकालिए, अगर आप टाइम की आपको प्रॉब्लम है तो किसी भी तरीके से थोड़ा टाइम, 10-15 मिनट्स थोड़ा थोड़ा टाइम करके आप निकालिए उसके लिए ना।
वो ये आपको स्पिरिट गाइड से जरूर कोई ना कोई बड़ा पर्पस होगा, इसीलिए आपको ये अगेन एंड अगेन ये मैसेज दिया जा रहा है। तो इस एनर्जी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, म्यूजिक की एनर्जी से। ओके, और उसके साथ में यहाँ पे आपको, आप जो कर रहे हैं ना वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना इस वक्त, उसको आप एंजॉय करके कीजिए, है ना। उसको बोझ समझ के मत कीजिए या बर्डन समझ के नहीं कीजिए। जब हम किसी काम को एक हैप्पीनेस और उसको बहुत खुश होके करते हैं ना, एक्सेप्टेंस के मोड में रहकर करते हैं, अब हम जो भी काम कर रहे हैं उसे ये समझ के करें कि ये ईश्वर का ही दिया हुआ काम है जो हम करवा रहे हैं, ईश्वर ही हमसे ये करवाना चाहते हैं, ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं हम। इस तरीके की भावना से हम कोई काम करेंगे ना, भले ही आप ऑफिस में भी बैठे हैं, तो आप जब ये सोचेंगे ना कि ये मेरे ईश्वर का ही घर है, ये मेरे ईश्वर का ही स्थान है, ये मेरे ईश्वर का ही प्लेस है, या मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, जब इस इंटेंशन से आप करेंगे तो आपका कोई काम सक्सेसफुल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि जब आप स्वयं ईश्वर को समर्पित करके कर रहे हैं तो वो काम कभी भी अनसक्सेसफुल हो ऐसा इम्पॉसिबल है। ओके व्यूअर्स, ये आपको कहा जा रहा है। और इसके साथ में देखिए, यहाँ पे कृष्णा जी, यहाँ पे शिव जी और गणेश जी, तो बताइए अभी आप जो भी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, नई शुरुआत हो रही है, और जो भी विघ्न है, जो भी बाधाएं हैं ना इस नई शुरुआत में, न्यू बिगनिंग में, वो सभी बाधाएं यहाँ पे आपके ईस्ट, आपके स्पिरिट गाइड्स खत्म कर रहे हैं। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स है। वाओ, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या मैसेज है। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, देखिए कृष्णा जी और राधा माँ, तो क्या ही कहें बताइए। अभी राधा कृष्णा जी आ गए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली जिन व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुँच रही है उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और ये इस बात का कंफर्मेशन है कि यहाँ पे आपकी DMDF एनर्जी बैलेंस हो रही है। जब यहाँ पे स्वयं राधा कृष्णा जी आ गए हैं तो सबसे पहले इंट्यूशन मुझे यही आ रहा है कि आपकी DMDF एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है या बहुत जल्दी हो जाएगी। आपका इनर यूनियन हुआ है। ओके, इनर यूनियन मतलब आप जब ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं ना, ईश्वर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ओके, और ऐसा हो रहा है, और नहीं आप फील कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ऐसा फील करेंगे, क्योंकि स्वयं देखिए यहाँ पे राधा कृष्णा जी आए हैं यहाँ पे इस बात को कंफर्म करने के लिए। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो आप इस जर्नी में हैं ये इस बात का कंफर्मेशन है, और साथ ही यहाँ पे आपकी DMDF एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है, जो शिव शक्ति की जर्नी में है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उसके साथ में ब्लेसिंग्स आपको ये दी जा रही हैं। देखिए ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है राधा माँ की तरफ से, फेथ इन द पावर ऑफ लव। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने सच्चे प्रेम की जो ताकत है उस पर विश्वास रखिए, अपने विश्वास पर विश्वास बनाए रखिए, है ना। इस विश्वास को किसी भी नेगेटिविटी से मैनिपुलेट नहीं होने देना है। हो सकता है आपको इस वक्त ट्रिगर्स मिल रहे हों किसी भी तरीके से, हो सकता है आपको अपने काउंटर पार्ट से, आपके पर्सन से ही ट्रिगर मिल रहा हो ना, किसी भी तरीके से हो सकता है, ट्रिगर कहीं से भी मिल सकता है, छोटा सा भी ट्रिगर आपको मिल सकता है इस वक्त, क्योंकि आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप बहुत जल्दी आप यूनियन यूनाइट होंगे, बहुत जल्दी आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ट्रिगर मिल रहा हो, तो उस ट्रिगर से आपको डिसबैलेंस नहीं होने देना है अपनी एनर्जीज को। आपने इतनी मेहनत की है इस जर्नी में अपने आप को बैलेंस करने के लिए, तो उस मेहनत को अब जो आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं आप, उस सेक्रीफाइस को व्यर्थ मत जाने देना इन ट्रिगर्स की वजह से। ओके, अपने ऊपर काम करते रहिए, नाम जप करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो शांत हो जाइए उस समय के लिए, आप शांत हो जाइए, है ना। एकदम से आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करना चाहिए लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना है आपको, है ना। ओवर रिएक्ट करने से आपको बचना है, और अगर हो सके तो बिल्कुल शांत हो जाइए, उस जगह से ही निकल जाइए जहाँ से आपको ट्रिगर मिल रहा है, आपको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप निकल सकते हैं तो निकल ही जाइए उस जगह से। आपको अपनी एनर्जीज को यहाँ पे बैलेंस करके रखना है, बचा के रखना है डिसबैलेंस होने से। ओके, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है।
और उसके साथ में यहाँ पे देखिए इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, आपका जो डिवोशन है ना वो बढ़ रहा है, आपकी भक्ति जो है ना वो बढ़ रही है। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, राधा कृष्णा जी को मानते हैं, तो ये देखिए कार्ड खुद ही कह रहा है यहाँ पे, राधा कृष्णा जी खुद आए हैं यहाँ पे कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है, आप जो डिवोशन कर रहे हैं, जो प्रेम आप दे रहे हैं, जो प्रेम आप कर रहे हैं कृष्णा जी से, राधा माँ से, या जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उनको, उनके प्रति जो आपकी भक्ति है ना वो ईश्वर आपकी स्वीकार कर रहे हैं, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आज फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा व्यूअर्स थोड़ा सा, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैसेजेस इतने डीप और इतने प्यारे आ रहे हैं कार्ड्स, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आज। मत्स्य द फिश अवतार, और जो ये जो फिश अवतार है यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का ही अवतार है मत्स्य अवतार, और यहाँ पे जो फिश ये मत्स्य अवतार आया है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस तो आ ही रही है, साथ में आपकी जो डिवोशन बढ़ रहा है ना उससे आपकी पीस ऑफ माइंड बढ़ रहा है। ओके, आपको पीस ऑफ माइंड की ब्लेसिंग्स मिल रही है यहाँ पे, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पे, और आपका विजडम इंक्रीज हो रहा है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप डिवाइन जर्नी में है यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, और उसके साथ में यहाँ पे आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है कि आपके आसपास के लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे हील हो रहे हैं। ओके, हो सकता है पास्ट कुछ ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हों, जो पास्ट, ये आपके काउंटर पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अदर रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, इस तरीके से रिलेटिव्स जो काफ़ी लंबे समय से आपसे कनेक्शन में नहीं थे बट फिर से वापस आ रहे हैं, तो वो इसी वजह से आ रहे हैं आपसे हीलिंग लेने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जाके उनको हीलिंग देनी है, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन अगर किसी को सच में आपकी हीलिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए आप नाम जप कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, बट फिर भी आपको अपनी आपको पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना है। जब आप अपनी एनर्जीज़ को सेव कर लें उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अब आप उसको दे सकते हैं, तब आपको उसके लिए कुछ जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, एक कार्ड और ले लेते हैं। मेरा कार्ड, मेरा ध्यान इस कार्ड पर बार बार जा रहा है, और ये कार्ड जो है बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत 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 प्यारा, काली माँ का कार्ड। देखिए यहाँ पे थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच, काली माँ खुद आई है आज यहाँ पे, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रेक्शन। यहाँ पे अब आपके लव लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है, आपकी लव लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी बाधाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपके कनेक्शन में, जो भी थर्ड पार्टी कार्मिक जो भी है, वो अगर इस कनेक्शन में आपको, आपके कनेक्शन में बाधा बनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें काली माँ देखिए इस तरीके से ख़त्म कर देंगे, जिस तरीके से माने रक्त बीज का रक्त का एक एक कतरा पी करके उसको ख़त्म किया था ना, वही वही जो हाल है आपके कनेक्शन में आने वाले हर पर्सन को, हर एनर्जी को इसी तरीके से माँ ख़त्म कर देंगे, उनका संहार कर देंगे। ओके, और जब माँ ख़त्म कर रही हैं ऐसी नेगेटिविटी को तो माँ बहुत खुश हैं, क्योंकि वो आपकी खुशी चाहती हैं, वो देख रही हैं कि आप किस तरीके देख रही हैं कि किस तरीके से आप अपना अपना जो धर्म है वो निभा रही हैं, अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं इस जर्नी के लिए, अपना जो डिवोशन है, जो सेक्रीफाइस जो आप कर रहे हैं, और जितने भी आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं तभी भी आप लगे हुए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एफर्ट्स को पहचान रहे हैं। ओके, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, और जब आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं तो काली माँ आपके साथ हो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब काली माँ की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं आज, काली माँ की, राधा कृष्ण जी की, और महादेव नटराज की, और प्योरिफिकेशन ऑफ सबल फोर्स। यहाँ पे आप डिवाइन जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो यहाँ पे आपकी कुंडलिनी एर्जिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है आपकी और आपके पर्सन दोनों की, और यहाँ पे डिवाइन यूनियन डेफिनेटली हुआ है या बहुत जल्दी यहाँ पे आपका होने वाला है। ओके, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और उसके बाद देखिए ये काली माँ के साथ में आज सीता माँ का कार्ड आया है, तो काली माँ और सीता माँ, देख रहे हैं आप कार्ड्स आज किस तरीके से आए हैं, राधा कृष्णा जी, सीता माँ, काली माँ, और फिर यहाँ पे शिव, शिव जी, नटराज, देख देख सकते हैं आप, राधा कृष्णा जी यहाँ पे, और शिव जी, और काली माँ, और सीता माँ।
तो जो भी व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनका जो अभी तक जो उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं ना, जो जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, आपने डिवाइन पर जो ट्रस्ट किया है ना, जो कंप्लीट सरेंडर आपने किया है, वो यहाँ पे अब फ्रूटफुल होने वाला है। उसकी आपको वो अब है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग आने वाली है, आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, आप जिन भी पर्सन के लिए इस वक्त देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, और उसके लिए सभी ईश्वर सभी देवता यहाँ पे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके, और नई शुरुआत के साथ जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए हनुमान जी है, और पूरी वानर सेना है, तो आप प्रोटेक्टेड तो है ही। आप जो भक्ति कर रहे हैं, आप जो डिवोशन कर रहे हैं ना, आप आपकी लाइफ में हो सकता है सोलमेट्स भी आपके जीवन में आए हो, है ना। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस तरीके से होता है कि आपकी लाइफ में सोलमेट्स भी भेजे जाते हैं, ताकि ये एक टेस्ट होता है डिवाइन फेमिनाइन की, आप किसे चुनती हैं। ओके, क्योंकि सोलमेट भी वैसी ही एनर्जी के होते हैं, वैसे ही पैम्परिंग करते हैं, वैसा ही सब देते हैं लव जो डिवाइन मस्कुलाइन देते हैं। लेकिन ये डीएफ पे डिपेंड करता है कि वो किसे चूज़ करती है। तो आपने अपने काउंटर पार्ट को चूज़ किया है, आपने अपने सच्चे प्रेम को चूज़ किया है, आपने अपने पर्सन को चूज़ किया, और जब आपने ऐसा चूज़ किया है तो सभी देखिए यहाँ पे आज प्रेजेंट हैं, सभी की प्रेजेंस यहाँ पे है। मैं क्या ही कहूँ, आप खुद ही देख रहे होंगे व्यूअर्स, है ना, कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी प्यारी अमेजिंग एनर्जीज के साथ यहाँ पे डिवाइन यूनियन हो रहा है, और डिवाइन यूनियन के साथ यहाँ पे आपकी पर्सन के साथ यूनियन हो रहा है। ओके, आप अपनी जर्नी के कम्प्लीशन में भी हैं व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी जर्नी के कम्प्लीशन में, और जो मिड ऑफ द जर्नी में है, यहाँ पे आपका डिवाइन सोल पर्पस यहाँ पे आपको मिलने वाला है, आपका इनर यूनियन हुआ है, और आप 3D में भी बहुत जल्दी आप यूनाइट होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, बहुत ही प्यारे से मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक आप अपना इसी तरीके से ध्यान रखिए, और जो भी व्यूअर्स इतने प्यारे, इतने मोटिवेशनल, इतने इमोशनल मैसेजेस भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अप्रिशिएट करते हैं, तो ईश्वर का काम, ईश्वर की मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।